बेगूसराय जिले के बरियारपुर पश्चिमी पंचायत में बुधवार को पहली बार धरातल पर ग्राम सभा हुई। पंचायत भवन परिसर में ग्रामीणों की भीड़ जुटी। ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हुए पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया बाबू प्रसाद वर्मा ने पंचायत भवन परिसर में इस तरह की ग्राम सभा पहले कभी नहीं होने की बात कही। मुखिया ने कहा कि पंचायत के जनता ने विगत पंचायत चुनाव में जिस तरह का उत्साह दिखाया उसका वह सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यवधि के पंचायत प्रतिनिधि कागज पर ही योजनाओं को क्रियान्वित करते थे, जिसके कारण गरीब गुरबे लोगों की समस्याएं दूर नहीं होती थी। राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए लोगों को प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक का चक्कर लगाना पड़ता था। मुखिया श्री वर्मा ने कहा कि उनके कार्यकाल में सभी योजनाओं को पारदर्शी बनाया जाएगा, इसके लिए आमजनों का सहयोग एवं मार्गदर्शन जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह पंचायत के समुचित विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को दिलवाया जाएगा। बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के जनता को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। इस मौके पर पंचायत सचिव कृष्णदेव यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभुकों को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र आगामी 15 जनवरी तक ऑनलाइन के माध्यम से देना होगा, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। इस मौके पर प्रखंड स्वच्छता समन्वयक रमा तिवारी ने आमजनों को अपने अड़ोस पड़ोस को साफ रखने और कचरा इधर उधर नहीं फेंकने की सलाह दी। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय के खोदावनपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। अधूरे पड़े हुए जिनको जो उचित मिलना चाहिए, इंदिरा आवास हो या ग्रामीण जो पंचायत की जो फैसिलिटी होती है आम जनता को, वह मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से पंचायत के लोगों को किसी भी कार्ड, राशन कार्ड हो, ये आवास के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए या जितने भी कार्य होते हैं उन सारे कार्यों का निष्पादन मैं एक शब्द के माध्यम से कह देना चाहूंगा कि अभी के बाद से जो भी पंचायत का कार्यक्रम होगा हमारे पंचायत भवन से ही इसका निष्पादन होगा और हमारी जनता को ब्लॉक और जिला का दरवाजा खटखटाना नहीं।